नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसीटाइम्स.कॉम और मैं हूं रविकांत कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मुरलीगंज गल्ला व्यवसायी जो चर्चित हत्याकांड बना हुआ था उसका उद्भेदन मधेपुरा पुलिस के द्वारा कर लिया गया है। इस मामले की जानकारी देने के लिए एसपी योगेंद्र कुमार ने आज अपने कक्ष में प्रेस वार्ता आयोजित किया, जहां उन्होंने पत्रकारों को बताया कि व्यवसायी हत्याकांड में चार लोग शामिल थे, जिनमें से तीन व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में जो प्रयोग की गई मोटरसाइकिल थी उन्हें भी बरामद कर लिया गया है, जिस हथियार से घटना को अंजाम दिया गया था, देसी कट्टा और तीन खोखा भी बरामद कर लिया गया है। एसपी योगेंद्र कुमार ने यह भी बताया कि चर्चित व्यवसायी हत्याकांड से पहले आरोपियों के द्वारा पेट्रोल पंप लूटने की योजना बनाई जा रही थी, हालांकि अपराधियों के द्वारा पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी कैमरा लगे होने की वजह से पेट्रोल पंप को लूटने की घटना जो है अंजाम नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि व्यवसायी से ही लूट लिया जाए। इसी दौरान बताया जा रहा है कि व्यवसायी को जब लूटा गया तो इसी दौरान व्यवसायी ने लूट का विरोध किया, जिसके बाद गोली मार दी गई है। मुरलीगंज में कुछ दिन पहले जो गल्ले व्यवसायी की हत्या हुई थी उसका उद्भेदन कर लिया गया है। 23 तारीख को यह घटना दर्ज हुई थी, इसके बाद से इस घटना को उद्भेदन के लिए एसटीपीओ सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें एसएचओ मुरलीगंज और टेक्निकल सेल के लोग थे। लगातार छापेमारी इसमें हो रही थी, कल रात को इसमें एक सफलता मिली है। इस घटना में जो मुख्य लाइनर का जिसने काम किया था बादल, इसकी गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ में अनुसंधान में ये बात आई है कि एक ब्लैक पल्सर पे तीन अभियुक्त आए थे और उन्होंने ही गोली मार के हत्या की है। पूछताछ में ये बात पता चली है कि बादल से इन तीनों ने कहा कि पैसों की कुछ कमी है, उन्होंने कुछ काम बताया तो बादल ने पहले इनको बोला कि बगल में एक पेट्रोल पंप है तो उसको लूटा जा सकता है, लेकिन तब ये डिसाइड हुआ कि वहाँ सीसीटीवी कैमरा होता है। उसके बाद बादल ने इन्हें बताया कि उसके बांस मिट्टी के सामने ही एक दुकानदार बैठे हैं, इनके पास कुछ पैसा मिल सकता है। वहीं पर इन लोग का प्लान बना और ये चारों गए और जाके उन्हें शूट कर दिया और उनके जेब से कुछ पैसा भी इन लोगों ने प्राप्त कर लिया। इसमें एक बादल की गिरफ्तारी हुई है, ये मेन लाइनर था। पारस की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा जो इसमें एक और अभियुक्त था सूरज, उसको दो दिन पहले ही एक हत्याकांड में जेल भेजा जा चुका है। एक तीसरा व्यक्ति और है जिसका भी हम लोग ने पता लगा लिया है। इस घटना में प्रयोग जो देसी कट्टा था और तीन खोखे थे जो घटना में यूज़ किए गए थे वो भी बरामद कर लिए गए हैं, और घटना में जो मोटरसाइकिल प्रयोग हुई थी उसको भी हम लोग ने बरामद कर लिया है। मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें कुछ दिन पहले मुरलीगंज में एक जिला परिषद के भाई की हत्या हुई थी, उस कांड का भी सफलतापूर्वक उद्भेदन कर लिया गया है। उसमें ये जो व्यक्ति था सूरज, ये उसमें मेन अभियुक्त था, इसी ने वो हत्या की थी। इसकी भी अरेस्टिंग दो दिन पहले करके भेजी, इसको जेल भेजा जा चुका है। तो कुल मिला के इसमें हम लोग को अच्छे सबूत मिले हैं, स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिले हैं। मैंने निर्देश दिया है टीम को कि जल्दी इसमें अनुसंधान पूरा करके और जो घटना में हथियार प्रयोग हुआ है उसकी बैलिस्टिक जाँच करा के इसमें जल्द चार्जशीट करें, और हम लोग की पूरी कोशिश रहेगी कि स्पीडी ट्रायल चलवा के इन अभियुक्तों को हम लोग जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाएं।